दोस्तों आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूं टीपी लिंक के 5.0 ब्लूटूथ अडाप्टर को और साथ में ये बताने वाला हूं कि इसका प्राइस कितना है, इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, इसका स्पीड कैसा है और यह टीपी लिंक के ही 4.0 ब्लूटूथ अडाप्टर से कैसा है और साथ ही यह किस किस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करेगा। तो दोस्तों यदि आपके पीसी या लैपटॉप में ब्लूटूथ जो है वो वर्क नहीं कर रहा है और आप है सो ब्लूटूथ अडाप्टर के थ्रू से ब्लूटूथ चलाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ब्लूटूथ अडाप्टर यही है टीपी लिंक का 5.0 ब्लूटूथ अडाप्टर। यह एकदम नया है और सबसे लेटेस्ट है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और इसका स्पीड को टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इस बॉक्स को मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया है तो बॉक्स के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। यूजर मैनुअल गाइड का जो पेपर होता है वो मिलेगा और बिल का जो पेपर होता है वो मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है UB500, ये हो गया इसका मॉडल नंबर और इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी मिलेगा। उसके बाद आप इसको विंडोज़ 10 हो गया, विंडोज 8.1 हो गया और विंडोज 7 हो गया, तीनों में यूज कर सकते हैं। लेकिन विंडोज 10 और विंडोज 8.1 में ये प्लग एंड प्ले रहता है, मतलब इसको डायरेक्ट लगाइए और यूज कीजिए। आपको कोई भी ड्राइवर जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप है सो विंडोज 7 में इसको यूज करेंगे तब आपको जो है इसके ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और इसको जो है आप है सो प्रिंटर के लिए, गेम खेलने के लिए, हेडफोन के लिए, कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए, होम थिएटर के लिए, लैपटॉप के लिए, पीसी के लिए, सभी चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। और इसका जो रेंज है वो 40 से 50 मीटर तक का है, यानी कि बीच में यदि कोई दीवार नहीं आया तो समझिए कि आप इसको 40 से 50 मीटर तक यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस तरह है। इसका जो साइज है वो काफ़ी छोटा है, इसलिए छोटा है क्योंकि ये नैनो USB अडाप्टर है, मतलब कि इसलिए इसका साइज जो है वो छोटा है। तो देख सकते हैं इसका जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी लाजवाब है। मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाता हूँ, देखिए हिल रहा है। यहाँ पे टीपी लिंक लिखा हुआ है और पीछे साइड लिखा हुआ है ब्लूटूथ 5.0। इसका जो प्राइस है वो 540 रुपये मुझे पड़ा था, इसे मैंने अमेजन से परचेज किया था। तो अब बात करते हैं इसका स्पीड का कि इसका स्पीड कैसा है। तो चलिए इसको कंप्यूटर में टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि पहले ही मैंने आपको बता दिया कि यदि आप इसको विंडोज 8 और विंडोज 10 में यूज करेंगे तो विंडोज 8 और विंडोज 10 में ये प्लग एंड प्ले है, मतलब कि डायरेक्ट इसको लगाइए और यूज कीजिए। आपको कोई भी ड्राइवर जो है वो डाउनलोड करके इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप इसको विंडोज 7 में यूज करेंगे तब फिर आपको जो है इसके ड्राइवर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो चलिए मैं आपको इसको विंडोज 7 में चला के दिखाता हूँ। देख सकते हैं मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज 7 ही है। तो मैंने इसके ड्राइवर को पहले ही डाउनलोड करके इंस्टॉल करके सारा सेटअप वगैरह सारा चीज़ पहले ही कर लिया है और अपने मोबाइल से कनेक्ट भी कर लिया है। तो यदि आप सीखना चाहते हैं कि इसके ड्राइवर को डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है और मोबाइल से कनेक्ट कैसे करना है तो इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको इसका स्पीड दिखाता हूँ कि इसका स्पीड कैसा है। तो मैंने इसे अपने मोबाइल से पहले ही से कनेक्ट कर लिया है। तो मैं यहाँ से एक फाइल को सेंड करता हूँ ब्लूटूथ के थ्रू से, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि इसका स्पीड कैसा है। तो यहाँ पर मेरे मोबाइल में देख सकते हैं यहाँ पर एक्सेप्ट का मैसेज आ गया है। तो मैं यहाँ से इसको एक्सेप्ट पे क्लिक करके एक्सेप्ट कर लेता हूं और यहां पे स्पीड देखते हैं कि कितना स्पीड दिखा रहा है। तो देख सकते हैं स्पीड लगभग ठीक ही ठाक है। यहां जो फाइल का साइज है जिसे मैंने सेंड किया है वो लगभग 10 से 12 MB का है। तो देख सकते हैं ब्लूटूथ के थ्रू से जा रहा है तो कितना तेज़ी से जाएगा, फिर भी लगभग ठीक ही स्पीड यहाँ पर दिखा रहा है कि लगभग 10-12 MB का फाइल जो है वो कितना देर लगा। लगभग मुझे लगता है कि 10 से 12 सेकंड लगा, यानी 10-12 MB का फाइल जो है वो 10 से 12 सेकंड में ट्रांसफ़र हो गया। तो दोस्तों स्पीड जो है वो लगभग ठीक ही ठाक है। स्पीड जो है वो आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर और रैम पर भी डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर और रैम कितना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और यदि आपका कोई सवाल हो ब्लूटूथ से रिलेटेड या टीपी लिंक के ब्लूटूथ से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।